हमारे यंगर एज से आप अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले आप पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे, आप लोग नहीं देखते हैं कभी। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं। अब हम लोगों है आपस में, हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारी बात चलिए लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाए, इसी के लिए आजकल पार्टी सोचती है। जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं तो आगे पीछे बात पीछे आपने नीतीश जी को सुना, हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए। और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया कि विपक्ष की पार्टियां उनके अलावा मानते हैं, विपक्ष की पार्टियों को इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए हम नहीं, आप ये कुछ पूछ देते हैं, आप लोग हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब हम नहीं हम तो सब लोग एक करने में देखिए पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचे। पहले सबको बात हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे अपने अपने पार्टियां अपने अपने काम भी करेंगे और इकट्ठा भी।